हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वीडियो। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है आप सबके लिए, और जितने भी दोस्त लोग जो कतर आना चाहते आज़ाद वीसा में, उन सब के लिए ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। इसीलिए आप सब हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और बताते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूँ कि आज़ाद वीसा में आने से पहले आज़ाद वीसा किसको बोलते हैं और आज़ाद वीसा ये कौन से वीसा होते हैं, वो जानना आपको बहुत ही जरूरी है। क्योंकि अभी के दौरान में कतर में क्या हो रहा है कि आज़ाद वीसा में इंडिया से, नेपाल से, पाकिस्तान से और बहुत सारे कंट्री से आदमी लोग आ रहे हैं, पर किसी को ये बात पता नहीं कि आज़ाद वीसा होता है क्या। बाद में कतर आके उधर ही फंस जाता है क्योंकि वो लोग का आईडी लगता नहीं है, उसके बाद काम मिलता नहीं है, क्योंकि उधर आईडी कितने महीने में लगता है वो भी पता नहीं है, कौन सा कंपनी में जाना है वो भी पता नहीं, और बहुत सारे नॉलेज ऐसे होते हैं आज़ाद वीसा के वो किसी को वो पता नहीं होता है। इसलिए कतर आके उधर ही फंस जाता है बहुत सारे लोग। तो इसलिए आप सबको पहले आज़ाद वीसा के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कतर में 2022 नवंबर में वर्ल्ड कप चलने वाला है दोस्तों, फीफा वर्ल्ड कप। तो इस दौरान अभी कतर में क्या कर रहा है, बहुत सारे कंपनी जो वीसा होता है वो अप्रूव नहीं करता है, क्योंकि जो कतर गवर्नमेंट है वो आदमी लोग जो जितना भी जो वर्कर्स है वो लोग को रिड्यूस कर रहा है, क्योंकि वर्ल्ड कप के टाइम में 15 लाख से ज़्यादा आदमी बाहर से आने वाला है कतर के अंदर। इसी दौरान अभी कतर गवर्नमेंट वीसा अप्रूव नहीं कर रहा है। तो आप सबको लगता होगा कि मैं कतर जाऊंगा आज़ाद वीसा में, उधर जाके मैं कंपनी में चेंज हो जाऊंगा, इंटरव्यू दूंगा, वो करूंगा। तो दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं, अभी वर्ल्ड कप के टाइम है और 3 महीना बहुत ही क्रिटिकल टाइम है दोस्तों ये कंपनी चूज करने के लिए और कंपनी में चेंज लेने के लिए। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि आज़ाद वीसा किसको बोलते हैं। दोस्तों, आज़ाद वीसा एक इलीगल वीसा है दोस्तों, ये लीगल नहीं है, एक गैर कानूनी है दोस्तों। क्योंकि आज़ाद वीसा इसको बोला जाता है कि इधर जो कतर में जो कंपनियां होते हैं वो लोग क्या करता है, वीसा रिलीज तो करता है पर आपको वीसा रिलीज करने के बाद आपसे पैसा लेता है। इसमें बहुत ही एजेंट होता है। वीसा का जो फी है, सपोज 1000 है, तो आपको उधर कम से कम 5000 कतरियाल आपको पेमेंट करना पड़ता है वीसा के लिए, पर ये पूरा इलीगल है दोस्तों। इलीगल तरीका से आदमी लोग को लाता है, उसके बाद आपको चेंज दे देगा और आपको बोल देगा कि 3 महीने के अंदर में आपको कंपनी चूज करना है और कंपनी खोजना है। तो सबसे पहले अगर आप कतर आते हो आज़ाद वीसा में, आज़ाद वीसा में आने के बाद आपका जो कंपनी है वो आपको एक NOC लेटर भी दे देगा आपको कि आपके पास 3 महीने टाइम है और आप कंपनी खोजें। अगर आपको उस 3 महीने के अंदर में काम नहीं मिलता है तो आप बुरी तरह से कतर में फंस सकते हैं दोस्तों, और आपको दूसरी कंपनी में जाने के लिए आपको फाइन भी भरना पड़ेगा, क्योंकि ये आज़ाद वीसा का जो सिस्टम है ये 3 महीने के अंदर में आपको काम खोजना पड़ेगा। उसके पास आपके पास जो NOC रहता है वो NOC लेकर के दूसरी कंपनी में आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी उसमें और एक क्या बात है दोस्तों, उलझन का बात है कि अगर आप जिस कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं, नया कंपनी आपको, जैसे कोई कंपनी आपको मिल गई है, अगर उस कंपनी के पास वीसा है तो आप उस कंपनी में जा सकते हो। अगर आप दूसरा कंपनी के पास वीसा नहीं है तो उस कंपनी में आप जा नहीं सकते। उस दौरान आपको क्या करना पड़ेगा, 3 महीने के बाद खुद का आईडी लगाना पड़ेगा। अगर आप एक बार आईडी लगा देते हो तो आपको 1 साल तक उसी आईडी में आपको काम करना पड़ेगा। तो अगर आपके पास कोई चीज़ का नॉलेज नहीं है, आप नया है कतर में आया है, आपको कुछ मालूम नहीं है, तो आपको 1 साल जैसे भी गुजारना पड़ेगा। तो उस 1 साल के अंदर में आपका जो आईडी का जो फी है आपको खुद ही भरना पड़ेगा, जो मेडिकल फी है खुद ही भरना पड़ेगा, रूम चार्ज वगैरह वगैरह खुद ही आपको सब टोटल पेमेंट करना पड़ेगा। आप जिस कंपनी में आते हो वो कंपनी आपके लिए कुछ एक पैसा भी स्पेंड नहीं करेगा। तो दोस्तों, ये बात आपको बहुत ही सबसे पहले जानना जरूरी है कि अगर आप आज़ाद वीसा में आते हो तो आपको पूरी जैसे रूम के खर्च, खाना का खर्च, पूरा पैसा लेकर आपको आना पड़ेगा कतर के अंदर, उसके बाद आप आज़ाद वीसा में आइए। अगर आपका कोई एजेंट, ट्रैवल्स एजेंसी कोई आपको बोलते हैं कि आप आज़ाद वीसा में कतर जाओ, उधर जाने के बाद आपको काम मिलेगा, अच्छा जॉब मिलेगा, तो दोस्तों ये बहुत ही ऐसा कुछ नहीं है। कतर के अंदर आपके पास नॉलेज है, आप पहले कतर आ चुके हैं और आपको लगता है कि मैं कतर जाके मैं काम खोज लूँगा, हमारे पास इतना एबिलिटी है, तो दोस्तों आप कतर आ सकते हो। अगर आप नया हैं कतर के लिए, आप कतर फर्स्ट टाइम आ रहे हो, तो दोस्तों आज़ाद वीसा में नहीं आना है, क्योंकि आज़ाद वीसा में कि बहुत सारे ऐसा हमारा फ्रेंड है जो हमारे चैनल पर कमेंट करता रहता है कि सर हमको काम नहीं मिल रहा है, ये कंपनी कैसा है, वो कंपनी कैसा है, तो दोस्तों आप भी फंस सकते हो।
तीसरी बात आपको बता दूं कि अगर आपको आजाद वीसा में आना है तो वर्ल्ड कप के बाद आइएगा दोस्तों। अभी वर्ल्ड कप जनवरी तक आपको बता दूं कि काम मिलने में बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि कतर गवर्नमेंट ऑलरेडी वर्कर्स को रिड्यूस कर रहा है, क्योंकि अभी जो जितना जो कंस्ट्रक्शन का जो प्रोजेक्ट था वो बंद कर दिया है दोस्तों, कंस्ट्रक्शन काम बंद हो गया है। अभी जो थोड़ा थोड़ा काम चलता है वही है कतर के अंदर, तो इसी दौरान बहुत सारे कंपनी जो कतर के अंदर है वो वर्कर्स को घर भेज रहे हो पठा रहे हैं। तो अगर आप कतर आते हैं तो आपको डेफिनेटली आपको मुश्किल हो जाएगा काम खोजने के लिए। इसी दौरान वर्ल्ड कप अगर ख़त्म हो जाते उसके बाद अगर आप लोग आते हो आजाद वीसा में तो आप लोगों को काम खोजने के लिए इजी होगा, क्योंकि जितने भी जो प्रोजेक्ट जो अभी जो रिज्यूम किया है जो बंद किया है होल्ड में रखा है वो सब प्रोजेक्ट जनवरी के बाद से ओपन हो जाएगा, उस दौरान आपको काम खोजने के लिए इजी होगा। तो दोस्तों ऐसे ही है, इसलिए आज का वीडियो बनाने का अर्थ क्या है दोस्तों कि हमारा रूम में अभी दोस्तों 4 और 5 बंदा आजाद वीसा वाला दोस्तों फंस के बैठा हुआ है, क्योंकि वो लोग के पास कोई रूम नहीं है, खाना नहीं, इसलिए हम लोग क्या किया कि अपने रूम में ला के रखा है दोस्तों। इसीलिए आप लोग को मैं अलर्ट कर रहा हूँ कि अगर आप लोग आजाद वीसा में आते हो तो अभी नहीं आइए दोस्तों, क्योंकि अगर आप आते हो आजाद वीसा में कतर के अंदर अभी तो बहुत ही मुश्किल होगा। एक और में उलझन है दोस्तों आजाद वीसा में, अभी के दौरान क्या होगा कि कतर में अभी जो रूम पाने का जो स्थिति है दोस्तों वो भी बहुत बुरा हाल है। अभी के दौरान में जिसके पास आईडी नहीं है उसको रूम मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया है दोस्तों। अभी जो रूम का जो मालिक है वो रूम नहीं दे रहा है दोस्तों, रेंट में नहीं लगा रहा है, वो आईडी खोज रहा है। तो इसलिए दोस्तों मैं ये वीडियो बनाया आप सबके लिए, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, और जितने भी दोस्त लोग जो अभी आजाद वीसा में कतर के अंदर जो फंसा हुआ है, अगर आप लोग को काम मिल जाता है तो अच्छा, बहुत ही अच्छा बात है, काम खोजिए। अगर काम नहीं मिलता है तो दोस्तों आप लोग क्या करिए कि आईडी लगा के उधर ही कुछ ना कुछ बंदोबस्त करके दोस्तों आप लोग को जैसे भी 1 साल काटना है। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आपका दोस्त अगर कोई आजाद वीसा में आने के लिए सोच रहे हैं, आपका प्लानिंग है कि हमारा फ्रेंड मैं अपने फ्रेंड को लेकर आऊँगा आजाद वीसा में, तो उन दोस्तों के लिए वीडियो जरूर शेयर करें दोस्तों। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ नए अपडेट्स लेके। बाय बाय।